सिर्फ दो तीन चीजें चाहिए और देखिएगा फिर इसका कमाल क्या है कि दो चम्मच कच्चा दूध है मेरे पास उबला हुआ भी ले ले टेंशन की बात नहीं है और मेरे पास है बेकिंग सोडा आधा टीस्पून दो चम्मच दूध में मैंने शामिल करना है दो चम्मच दूध में आधा टीस्पून बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा इन दोनों चीजों को मिक्स करेंगे और एक चीज हमें और इसमें शामिल करनी है और वो है सबसे बड़ा सीक्रेट वो है ग्लिसरीन ग्लिसरीन आपके चेहरे पर दाग धब्बे भी खत्म करती है आपकी जिल्द की नमी पूरी करती है चेहरे पर चमक लेके आती है ग्लो लेके आती है एक चाय वाला चम्मच हम दो चम्मच दूध में एक चाय वाला चम्मच ग्लिसरीन के शामिल करेंगे और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा बस ये तीन चीजें और ये तीनों चीजें आपके घर में अवेलेबल होंगी शायद कुछ घरों में ग्लिसरीन नहीं हो तो टेंशन की बात नहीं है मेडिकल स्टोर से आपको 25, 30, 40, 50 रुपए में मिल जाएगी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन 400 रुपए से ज्यादा नहीं होगी तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें पहली ऑप्शन तो ये है कि इसे शावर बॉटल में आप डाल लीजिए और उसके जरिए अपने चेहरे पर या अपने हाथों पर स्प्रे करिए तो इसी सूरत में यह स्प्रे हो पाएगी कि आपका बेकिंग सोडा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका हो ठीक हो गया ये आपका मिक्सचर तैयार हो गया और ये मिक्सचर बहुत महंगा है आपको नहीं पता कि इतना महंगा है और जब आप इसे अप्लाई करेंगे जब आप दूसरे आपसे पूछेंगे कि आपने क्या लगाया तो ये इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो मैं आपको करके दिखाऊंगी कॉटन बॉल की मदद से इसे अप्लाई करिए चेहरे पे ब्रश की मदद से कीजिए या आप कीजिए इसे किससे मुझे भूल गया कॉटन बॉल से ब्रश से या आप किसी भी तरह से शावर बॉटल से आई एम सो सॉरी लेकिन वीडियो मैं दोबारा से नहीं बना सकती थी हाँ आप इन तीनों चीजों से किसी भी तरह से बस बात ये है कि आपने इसे अप्लाई करना है अप्लाई करने के बाद ये खुश्क हो जाएगा खुश्क होने के बाद आपने इसके ऊपर दूसरी दफा से फिर अप्लाई करना है सिर्फ ग्लिसरीन रहेगी ये दूध अच्छी तरह से जजब हो गया आपको आप इसमें फर्क देखते जाएंगे इसके ऊपर सेकेंड लेयर में फिर से अप्लाई करूंगी उधर दूध का कलर भी चेंज हो रहा है बट डजंट मैटर कोई मसला नहीं है कलर चेंज हो रहा होगा तो इधर स्किन का कलर भी चेंज हो रहा है अच्छा जी दो लेयर्स ये डे टाइम के लिए बता रही हूँ लेकिन एंड पे आपको एक मशवरा दूंगी जो मुफ्त में है आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है सेकेंड लेयर होगी आपको चूंकि रिजल्ट दिखाना है इसलिए मैं इसको ज्यादा देर नहीं रख सकती आप देख सकते हैं वाजा पर सेकेंड लेयर अप्लाई करने के बाद एक लेयर को ड्राई आने में मुझे तकरीबन 10-15 मिनट लगे और सेकेंड में भी 10-15 मिनट छोड़ना है अब ये मैंने तकरीबन इसको एक घंटा लगा रहने दिया और अब मैंने वॉश करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है इस बार मैंने अपने गीले हैंड्स आपको नहीं दिखाए गीले हाथ दिखाने की वजह से होता क्या है कि मैम रिजल्ट तो आया नहीं वाजा नजर नहीं आया तो मैंने आपको हैंड दोनों ड्राई करके दिखाए हैं सूथिंग लोशन हमने निकाल दिया क्योंकि इसको अप्लाई करने से आप लोगों को वाजा फर्क नहीं दिखता कुछ दोस्त ही ऐसे वैसे सबको दिख जाता है ये रिजल्ट आपके सामने है आई होप कि सबको ही दिख गया होगा मुझे मजीद दिखाने की जरूरत नहीं है फिर भी इसके बाद मैं इसका एक और पार्ट भी बना दिया जिसमें दोबारा से आपको मैं अपना रिजल्ट जो है वो शो करूंगी दोनों हैंड्स को और से देख लीजिए मेरे राइट हैंड में आप लोग कहते हैं कि मेरे दोनों हाथ जो है वो पेयर है तो रिजल्ट नहीं दिखता जबकि मुझे इतने ज्यादा पेयर नहीं लगते क्योंकि मैं रूटीन से कुछ भी यूज नहीं करती जो आपको यूज करके दिखा देते हैं यही हम अप्लाई करते हैं ठीक हो गया राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को अच्छी तरह से देख लीजिए मैंने कोई लाइटिंग कम ज्यादा नहीं की सब कुछ आपके सामने है एंड दैट्स इट ये हमारा महंगे से महंगा मिक्सचर तैयार है अब हम चलते हैं मशवरे की तरफ और लेसन की तरफ मुझे सांस भी चढ़ गया बोल बोल के क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी कि जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया मैं आप लोगों के साथ जल्दी से इसको शेयर कर लूं क्योंकि मुझे आदत है कि मैं बुक्स को रीड करने के बाद मेरी कोशिश होती है मैं कुछ अपने तौर से रेमेडी बनाऊं और उसका रिजल्ट मिल जाने के बाद आप लोगों के साथ उसको शेयर करूं ये तो हम सब जानते हैं या कुछ दोस्त नहीं भी जानते थे कि ग्लिसरीन कितने फायदे की चीज है तो मेरा मशवरा आप सबको ये है कि कोई भी आप ब्यूटी से रिलेटेड कोई रेमेडी कोई क्रीम कोई चीज यूज करते हैं लेकिन मशवरा लाजमी मुझसे पूछ लिया करें उसमें आप ग्लिसरीन लाजमी शामिल करें इवन तो कोई उबटन भी अप्लाई करते हैं तो आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें अब आपको सारी महंगी चीजों को छोड़ के दूध हर घर में अवेलेबल होता है दो चम्मच तो मिल ही जाएंगे
उसमें एक चम्मच ग्लिसरीन का शामिल करिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा शामिल करिए, और बेकिंग सोडा ऑप्शनल है, आप उसको स्किप करना चाहें तो छोड़ दें, इससे आपके रिजल्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो आपको फ्री वाला जो मशवरा देना था वो ये था कि बजाय आप दिन में एक घंटा लगा के तो काम से भी हाथ धो बैठे, कोई काम ना कर पाए, तो मेरा मशवरा आपको ये है, और इसका सही तरीका भी ये है कि आप दूध में ग्लिसरीन मिलाइए, शावर वाटर में इसको डाल लीजिए, और इससे आपने अपने चेहरे पर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने इसको 2 मिनट तक मलना है अपने चेहरे पर हल्के हाथ से। 2 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को धो दीजिए। चेहरा वॉश कर लेने के बाद दोबारा से अपने चेहरे पर इसी मिक्सचर का स्प्रे करिए और सो जाइए। हल्का सा ड्राई होने दें ताकि बिस्तर खराब नहीं हो, उसके बाद आप सो जाएं और सुबह उठ के आप अपना चेहरा धो लें। 2 रातों के अंदर आपको वाजा फर्क नजर आएगा। अगर 1 घंटे में आपको फर्क वाजा नजर आ सकता है तो 2 रातों में भी आपको वाजा फर्क नजर आ जाएगा, बल्कि 1 रात में वाजा फर्क आपको दिखाई देगा। इतनी जबरदस्त रेमेडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें कोई एक्सपेंस नहीं है आपके, इतना खर्चा नहीं आ रहा, कोई बड़ी महंगी चीजें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मिलाइए इन दोनों चीजों को, मिक्सर को महफूज कर लीजिए, फ्रिज में 4-5 दिन आपका चल जाएगा, और आपने बस इसको इस्तेमाल करना है, लगाते जाइए, गोरे होते जाइए। ये रेमेडी आप लोगों के लिए स्पेशल शेयरिंग है मेरी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच